साथियों, नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मैं अभी बैठे बैठे नीतीश जी से, हमारे सम्राट जी से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई सभा का समय क्या दिया है, क्योंकि हुजूम का हुजूम अभी आ ही रहा है। ये दोनों गेट पे मैं देख रहा हूं, यानी एक प्रकार से पूरा प्रवाह चल रहा है। ये अद्भुत नजारा है साथियों। बीते 10 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, एनडीए को मिल रहे विशाल जन समर्थन में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं, डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है?
कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया, ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। मुझे विश्वास है बिहार की ये महान धरती विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। साथियों, मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है, मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ, वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। इसी का नतीजा है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही हैं। और साथियों, अगर मैं आपको ही पूछूंगा तो आप इस सरकार के अनगिनत काम बता देंगे। हर इलाके का लोग बोलेंगे, हाँ हमारे यहां ये हुआ। हर परिवार कहेगा, हाँ हमारे यहां ये हुआ। 10 साल में इतना काम, इतना तेजी से काम, पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी उतनी तेजी से आज काम हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको लगता होगा साबित सर्वे वाले कहते हैं कि भाई इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भाई एनडीए का जय जयकार है। फिर लोग कहते हैं, अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भाइयों बहनों, चुनाव तो आपने जिताना तय कर लिया है। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है, अपनों से मिलने का आनंद होता है, अपनों को मिलने से ऊर्जा मिलती है, अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है, और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूं।
और भाइयों बहनों इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है, अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। साथियों, बिहार और नवादा की हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला।